पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर सरकार को 2400 करोड़ का नुकसान पहुंचने के आरोप से घिरी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड यानी डायल को लेकर जी न्यूज के सहयोगी अखबार डीएनए ने एक और बड़ा खुलासा किया है। डायल ने दिल्ली कार्गो सर्विस सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के साथ अपने ज्वाइंट वेंचर को 162% प्रीमियम के साथ बेचा, लेकिन इससे हुई आय का एक भी पैसा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को नहीं दिया, जबकि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक डायल ने करार में वादा किया था कि वो रेवेन्यू का 46% हिस्सा एएआई को देगी। कैग ने डायल से पूछा है कि जब डीसीएससी में हिस्सेदारी बेचने से उससे फायदा हुआ है तो फिर इस फायदे में एयरपोर्ट अथॉरिटी को हिस्सेदारी क्यों नहीं दी गई। डायल ने डीसीएससी में अपनी हिस्सेदारी 16 मार्च 2015 को बेची। हम आपको बता दें कि डायल जीएमआर ग्रुप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जर्मन कंपनी फ्रेपोर्ट का ज्वाइंट वेंचर है और इसे जनवरी 2006 में दिल्ली एयरपोर्ट को ऑपरेट करने का जिम्मा सौंपा गया था।